बिस्तर से उठने के बाद मेरा पैर छूती हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप मेरा पैर छूइए। निधि जा सुबह उठकर अपने पतिदेव की पैर छूती हैं, वो भी डेली। ये खुद उनके पतिदेव कह रहे हैं। अभी और सुनो, उनके पतिदेव तो ये भी कह रहे हैं कि चाहे मेरी पत्नी कितनी भी हाई फाई हो, मॉडर्न हो, कितने भी नए ख्यालात की हो, लेकिन वो जब भी मेरे जीवन में आए, मेरे साथ रहे, तो एकदम गाँव के तरीके से, देसी स्टाइल में, पूरा यहाँ से यहाँ, यानी कि हर मांग सिंदूर करके रहे, माथे पे बिंदी होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस भी बिल्कुल ना पहने, मॉडर्न ड्रेस ना पहने, एकदम देसी बीवी, इंडियन बीवी बन के रहे। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, वो उनके मुँह से सुन लीजिए। मैं पर्सनली चाहता था कि मेरी बीवी जब भी रहे उसके मांग में यहाँ से यहाँ तक सिंदूर हो, और वो मैंने कभी बोला नहीं है निधि मिश्रा को, वो खुद करती हैं। माथे पे हमेशा बिंदी हो, वो खुद करती हैं। एक घर में सजी संवरी सी, एक खूबसूरत सी इंडियन बीवी हो, वो खुद करती हैं। मैंने इसका प्रेशर नहीं डाला इनके ऊपर, ये इनके अंदर है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि जैसा मैं सोचता था वैसे आप हैं। एक गाना है ना, जैसन सोचले रहली हो ऐसन धनिया मोर बाड़ी, सांवर न गोर बाड़ी। तो दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद आप एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि निधि झा फिल्मों से क्यों दूर है। अब वो कभी भी फिल्मों में तो नहीं नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें एक देसी इंडियन वाइफ बन के रहना है, पत्नी बन के रहना है, जो सजी धजी साड़ी भर मांग सिंदूर करके रहे, घर संभाले, बच्चे संभाले। वैसी बीवी चाहिए थी यश कुमार को, जो कि अंजना सिंह वैसी नहीं बन पाई, निधि झा वैसी हैं, इसीलिए वो फिल्में वगैरह में, एल्बम वगैरह में तो आपको दिखाई नहीं देगी। मेरे लिए मेरी बीवी वो होनी चाहिए जिसके लिए पति पहले हो, उसका करियर बाद में हो, उसके लिए बाकी की चीज़ें बाद में हो। क्योंकि शादी के बाद एक धर्म, एक पत्नी की पूरी दुनिया उसका पति होता है, पति की भी दुनिया उसकी पत्नी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सुना ना आप लोगों ने, एक पत्नी के लिए पति पहले होना चाहिए, उसका करियर बाकी, उसका सब कुछ बाद में होना चाहिए। भाई अब लेडीज होने के नाते मैं इस बात से एग्री तो नहीं करूँगी, ये बात मुझे खल गई। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, इनकी सोच कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।